आइए देखते हैं प्राकृतिक खेती कदम कदम पर किस तरह से की जाती है। बीजामृत, घन जीवामृत, केंचुआ खाद, जीवामृत, स्वस्थ बीज, स्वस्थ अंकुर, इससे बीजों को उपचारित किया जाता है। देशी गाय का गोबर, गौमूत्र, चूना या खली, पानी, खेत की मिट्टी को निर्धारित अनुपात में मिलाकर 24 घंटे पानी में डालकर दो बार घोलकर बीजों पर डाला जाता है, तब निकलता है स्वस्थ अंकुर। और इसके लिए जरूरी होती है मिट्टी की उर्वरकता। अब मिलते हैं मृदा के मित्र कीटों से, केंचुओं से। ये मिट्टी को पुनर्जीवन प्रदान करते हैं। इनसे बनी खाद पोषक तत्वों का भंडार होती है। घन जीवामृत धरती के मित्र कीटों के लिए रामबाण औषधि है। ये देशी गाय का गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन, खेत के मेड़ की मिट्टी को निर्धारित प्रमाण में मिलाकर 48 घंटों के लिए बोरी से ढककर छांव में सुखाया जाता है। अच्छी तरह सूखा घन जीवामृत खेतों की मिट्टी में छिड़क कर खेत जोतने का कार्य किया जाता है। जीवामृत अंकुरण को स्वस्थ रखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। देशी गाय का गोबर, गौमूत्र, पेड़ के नीचे की मिट्टी, गुड़, बेसन, मूंग, उड़द, तुअर या चने का आटा, पानी को निर्धारित प्रमाण में मिलाकर 48 घंटे बाद सिंचाई के साथ टपक विधि से प्रयोग में लाते हैं। 15 दिनों तक इसका उपयोग किया जा सकता है। मछली पालन तालाब खेतों में पानी खाद की जरूरतों को पूरा करता है। मछली पालने के लिए बनाया गया ये तालाब मछली के साथ साथ तालाब के बचे पानी से सिंचाई और नीचे की गाद को खाद के रूप में काम में लिया जाता है। खेती के दुष्कर कार्यों में से एक होता है फसल खराब करने वाले कीड़े मकोड़े, रस चूसने वाले कीट, छोटी बड़ी सुंडी इल्लियां, फफूंद के आक्रमणों से रक्षा। लेकिन अब इनकी भी फौज तैयार है। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र, फंगिसाइड, दशपर्णी अर्क, पांच पत्ती काढ़ा,